गाइस वेलकम बैक। फाइनली आज क्लास फोर के बुक्स का रिव्यू मैं लेकर आ रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि मैम आप क्लास फोर के बुक्स का रिव्यू इस बार नहीं दे पा रही हैं, तो प्लीज क्लास फोर के बुक्स का भी रिव्यू दीजिए। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिला है क्लास फोर के बुक्स का रिव्यू देने का। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, मैं आज दिखाने जा रही हूँ क्लास फोर के आईसीएसई बुक्स का फुल रिव्यू। तो कोशिश करूंगी उसके प्राइजेस भी दिखा सकूं, क्योंकि मैंने बुक्स कवर कर लिए हैं, काफी लेट हो चुका है, बच्चों के समर वैकेशन हो चुके हैं, कुछ काम आ गए थे जिसकी वजह से मैं क्लास फोर के बुक्स का रिव्यू नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए जिस बुक्स का मैं प्राइस नहीं दिखा पाऊंगी तो उसका वो आप माइंड मत कीजिएगा। जिस बुक्स में प्राइस मुझे दिख रहे होंगे वो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, इस बुक्स का फुल रिव्यू मैं आपको दूंगी। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं इस बार 2022 में क्लास फोर के बुक्स किस टाइप के आए हैं और कितने सारे बुक्स मिले हैं बच्चों को। चलिए दिखाते हैं। और गाइज मैं आप सबको बता दूं कि ये सारे बुक्स स्कूल की तरफ से मिले हैं और टोटल इस बुक्स का प्राइस 5000 लगा है। टोटल 13 बुक्स दिए गए हैं स्कूल से और इसका प्राइस 5000 टोटल लगा है। तो अगर इन सारे बुक्स को आप लेना चाहते हैं तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और साथ ही साथ बच्चों के स्टोरी बुक्स, गिफ्ट आइटम्स और बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो आप लेना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो सारे लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो विजिट जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज यही वो 13 बुक्स मिले हैं स्कूल की तरफ से और ये है आईसीएसई बुक्स, क्लास फोर की आईसीएसई बुक्स। तो चलिए इसे तो मैंने कवर कर लिया है, लेकिन जिसका भी प्राइस मुझे दिखेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पेलिंग बुक से। स्पेलिंग बुक जो कि वर्ड परफेक्ट स्पेलिंग बुक है, आप देख सकते हैं ये बुक फॉर रोलान रिडॉट का है स्पेलिंग बुक। काफी अच्छी बुक है ये और ये शुरू से इसी राइटर की बुक जो है वो चल रही है। क्लास 1, 2, 3, 4 बच्चों के भी स्पेलिंग बुक जो है वो भी इसी टाइप की है और इसमें काफी अच्छे अच्छे स्पेलिंग्स दी हुई रहती है विथ पिक्चर्स। बच्चों को आप सिखा सकते हो, फ्री टाइम में बच्चे स्पेलिंग पढ़ सकते हैं। अभी जैसे कि समर वैकेशन हो चुका है तो हम आराम से अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है बच्चों के लिए, मैचिंग है, कुछ मिसिंग वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स के साथ जो है पिक्चर्स के साथ आपको मैचिंग वगैरह करनी है समझकर इस तरीके की स्पेलिंग बुक दी गई है। तो इसका मैं प्राइस आपको मैं कोशिश करूंगी दिखाने की, तो मैं यहाँ देख लेती हूँ, शायद नहीं है क्योंकि मैंने इसे कवर कर लिया है। स्पेलिंग बुक का मैं प्राइस आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये है स्पेलिंग बुक क्लास फोर की आईसीएसई बुक। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ साइंस की बुक जो कि इंस्पायर्ड साइंस है क्लास फोर, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास फोर साइंस की बुक। और क्लास फोर के साइंस में क्या है आप देख सकते हैं, चैप्टर्स वगैरह मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए क्लास फोर में ह्यूमन बॉडी द टीथ में आ जाता है, द फूड वी ईट। लेसन थ्री में ह्यूमन बॉडी में द डाइजेस्टिव एंड एक्सेक्टिव सिस्टम, मतलब लेसन 1, 2, 3 में आपको ह्यूमन बॉडी ही है लेकिन इसमें अलग अलग जो है आपको दिया गया है। और ये प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स, एडेप्शन ऑफ प्लांट्स, एडेप्शन इन एनिमल्स, एयर, मटेरियल्स, सॉल्यूशंस, लाइट, ये सब दिया गया है, मेजरमेंट्स, ये सब दिया गया है। तो ये सब चैप्टर्स है क्लास फोर में जो कि आपको पढ़ने हैं। और इसका भी प्राइस शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ। और ये इंस्पायर्ड साइंस जो है वो ओरियंट ब्लैक स्वान का है, ओरियंट ब्लैक स्वान ये क्लास फोर की साइंस बुक है जिसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ाई भी हो चुका है बच्चों का, ये साइंस बुक हो गई। अब मैथ की बुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, क्लास फोर की मैथ की बुक जो कि है आरजी गुप्ता, नीरज राज जैन एंड एमएल अग्रवाल का। और इसका प्राइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 395 रुपीज, मैथ का बुक है। वैसे मैंने आपको टोटल प्राइस बता दिया है, 5000 लगने वाले हैं क्लास फोर के आईसीएसई बुक्स का। और इसमें चैप्टर्स जो है अभी तो इजी ही है, स्टार्टिंग में इजी ही है लेकिन लास्ट में बहुत ही हार्ड आ जाएगा। वार्म अप चैप्टर्स है, नंबर एंड नंबर नेम्स है, रोमन नंबर्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट क्वार्टर, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, ये सब जो है आपका फर्स्ट टर्म में दिखाया जा रहा है।
तो फर्स्ट टर्म में हमें ये सब पढ़ने हैं, तो अभी फिलहाल 1 से 2 चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है बच्चों की, और इस तरीके की चैप्टर्स है, फ्रैक्शंस है, प्लस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है, यही सब स्टार्टिंग में दिए गए हैं, आप ही देख ही सकते हैं, ये सब दिए गए हैं। तो यही है मैथ्स की बुक। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ हिंदी की स्टोरी बुक। हिंदी की स्टोरी बुक आप देख सकते हैं, भाग 4 कहानी संचय, जिसके राइटर का नाम है रेणु दमन, न्यू सरस्वती हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये आप देख सकते हैं स्टोरी बुक दी गई है। स्टोरी बुक में 10 टोटल स्टोरी है, आप देख सकते हैं इस स्टोरी बुक में, और ये बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आती है हिंदी की स्टोरी बुक। तो इस तरीके की स्टोरी बुक दी गई है कहानी संचय, और इसका मैं आपको रेट दिखाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ है, पीछे की तरफ ही अक्सर बुक्स में रेट दिया होता है, मैं आपको रेट नहीं दिखा पाऊंगी। हिंदी के बुक का रिव्यू दूंगी। हिंदी आप देख सकते हैं हिंदी का बुक क्लास 4 का, जो कि ICSE का बुक है, और डॉक्टर क्षमा शर्मा पुरस्कार एवं सम्मान ये सब दिया हुआ है इसका नाम जो है। और यहाँ मैं चैप्टर्स आपको दिखा देती हूँ। पहले यहाँ देखिए क्लास 4 के चैप्टर्स में हमें देश तो लगता है जैसे, नन्हा उल्लू, रोज सवेरे, नन्हा पेड़, ईदगाह, ये सब चैप्टर्स है। और यहाँ हम लोगों को अभी 2-2 चैप्टर करके पढ़ाइयाँ हो चुकी है समर वैकेशन से पहले ही, और ये सब जो है वो पढ़ाई हो चुकी है, ताकि बच्चे फर्स्ट टर्म की तैयारी हो समर वैकेशन में अच्छी तरीके से कर सके। ये है क्लास 4 की हिंदी बुक, क्लास 4 की हिंदी बुक। ये हो गई। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूं हिंदी ग्रामर। हिंदी में टोटल 3 बुक 3 से ही चल रहा है, हिंदी व्याकरण, हिंदी एंड हिंदी स्टोरी बुक। तो ये है हिंदी व्याकरण का, डॉक्टर विनोद सिंह चौहान का, आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में क्या क्या चैप्टर्स है मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं यहाँ प्राइस देखने की कोशिश करूंगी, बट यहाँ नहीं है, अक्सर बुक्स में पीछे ही प्राइस दिए होते हैं। और इसमें चैप्टर्स देखिए क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। भाषा है, इकाई है, वर्ण है, शब्द है, परिचय है, ये बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ दिए गए हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए 2-3 चैप्टर पढ़ाई हो चुकी है, जो हमें हॉलीडे वेकेशन में करने हैं, इस तरीके से ये चैप्टर दी गई है क्लास 4 में। स्वर व्यंजन यही सब अभी पढ़ाई हो चुकी है। ये है क्लास 4 की हिंदी बुक। अब मैं आपको दिखा दूं नेक्स्ट कंप्यूटर बुक, जो कि ICT कनेक्ट बेस्ड ऑन विंडोज 7 एंड MS ऑफिस 2004, और ये शशांक जोहरी का है, आप देख सकते हैं क्लास 4 ICT 7 एंड MS ऑफिस 2004, और ये शशांक जोहरी का है, आप देख सकते हैं क्लास 4 ICSE कंप्यूटर बुक। और इसका भी प्राइस जो है स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है। और इसमें चैप्टर्स देखिए क्या क्या है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, विंडोज, पेंट एडवांस्ड, MS वर्ड। तो यही सब जो है कंप्यूटर में चैप्टर्स दिए गए हैं, और करीब 2 चैप्टर की पढ़ाई भी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारे बुक्स में 2 चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है, और बस उसी की तैयारी अब बच्चों को करनी है। तो ये है कंप्यूटर बुक। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी इंग्लिश लिटरेचर की बुक, क्लास 4 ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश रीडिंग सर्कल बुक, जो मैं आपको दिखाऊंगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है, और निकोल्स हॉसबर्ग, क्लेयर हॉसबर्ग जो है इनके राइटर का शायद नाम दिया हुआ है, ये ऑक्सफोर्ड का है, और यहाँ भी प्राइस नहीं दी हुई है, तो सॉरी फॉर प्राइस। इस बार नेक्स्ट ईयर से मैं विथ प्राइस लेकर आऊंगी, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है बुक्स का रिव्यू देने में। और यहाँ चैप्टर्स कुछ इस प्रकार हैं, टोटल जो है 22 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं, और फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर की पढ़ाई भी हो चुकी है। इस तरीके का इंग्लिश लिटरेचर बुक है इस बार।
क्लास फोर की बुक। अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट मेंटल मैथ। मेंटल मैथ जो है वो लेवल फोर का सुब्रत कुमार विश्वास का एंड विनीता विश्वास, जेनिथ पब्लिकेशन का है ये, जेनिथ पब्लिकेशन। और यहाँ इसका प्राइस दिया हुआ है, देखिए 130 रुपीज, मेंटल मैथ का 130 रुपीज प्राइस दिया हुआ है। और चैप्टर्स मैं आपको दिखा देती हूँ कंटेंट्स क्या क्या है इसमें, पहले मैं देख लूँ यहाँ क्या है। गाइडलाइंस फॉर टीचर्स ये दिया हुआ है स्टार्टिंग में, और उसके बाद यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फ्रैक्शंस, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, डेसिमल्स, यही सब दिया हुआ है मेंटल मैथ में। तो ये है मेंटल मैथ जिसका पीछे आंसर भी दिया हुआ रहता है, काफ़ी बच्चे ट्रीटिंग भी करते हैं पीछे से देख के। मॉरल साइंस, अब मैं बात करूंगी मॉरल साइंस जिसको आप वी आर द वर्ल्ड वैल्यू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। मॉरल साइंस जो है ओरिएंट ब्लैक स्वाम का है, और आई थिंक इसका भी प्राइस पीछे ही होगा, नहीं है आगे भी नहीं है इसका प्राइस। तो इसमें जो है चैप्टर्स कुछ इस प्रकार है, कितने सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, और मॉरल साइंस इस बार का काफी अच्छा लग रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स दिए गए हैं मॉरल साइंस में। तो ये है क्लास फोर की आईसीएसई बुक। और सीबीएसई में अगर आपका बच्चा है तो उसमें किस तरह की बुक्स है आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, कैसी लग रही है आपको बुक्स। अब मैं दिखाऊंगी आर्ट बुक, माई आर्ट विद क्राफ्ट, अपर्णा सिन्हा का। यह अपर्णा सिन्हा का आर्ट बुक दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की ड्राइंग आपको बनानी होगी। थोड़ी हार्ड आई है इस बार, थोड़ी हार्ड हार्ड ड्राइंग्स जो है वो आई है बच्चों के लिए, क्योंकि क्लास फोर में बच्चे अब चले गए हैं, बच्चे नहीं रहे वो बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद कलर कीजिए खुद से, ये ड्राइंग बुक है। और इसका भी प्राइस आई थिंक पीछे ही है, तो प्राइस नहीं दिखा पाऊंगी। सोशल एसएसटी वर्ल्ड ऑफ सोशल स्टडीज, सोशल की बुक जो कि विनीता कुमार का है आप देख सकते हैं, और इसका प्राइस भी शायद इसे ही है। और इसमें चैप्टर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चैप्टर्स कुछ इस प्रकार है, दी स्टोरी ऑफ द पास्ट, एविडेंसेस इन हिस्ट्री, कैलेंडर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। मतलब ये जो है एसएसटी, ये हिस्ट्री बेसिस है, हिस्ट्री पूरा इसमें जो दिया गया है, बच्चों को हिस्ट्री भी तो जाननी पड़ेगी ना, इसलिए सोशल एसएसटी इस बार दिया गया है क्लास फोर में, जो कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब कि क्लास थ्री में एसएसटी नहीं था, क्लास फोर से एसएसटी भी स्टार्ट हो गया है, और यहाँ टू चैप्टर्स पढ़ाई भी हो चुकी है, एविडेंस इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो इसका भी प्राइस नहीं बता पाऊंगी। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट जीके, नो फोसियो जनरल नॉलेज, क्लास फोर की आईसीएसई की बुक, सिद्धार्थ बासु का है ये। और इसमें क्या क्या चैप्टर है मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले मैं पीछे देख लूँ, पीछे में देखिए आंसर सारे दिए हो जाते हैं जीके में और मॉरल साइंस में। तो यहाँ देखिए कंटेंट, द नेचुरल वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, थिंग्स अराउंड मी, नंबर एंड लॉजिकल स्किल्स, ये सब जो है इस पर दिए गए हैं जीके में। और काफ़ी कुछ पढ़ाइयाँ हो चुकी है, म्यूजिक टू द ईयर्स, हाउ आवर बॉडी वर्क्स, मशीन्स एट वर्क कुछ इस तरीके का दिया गया है, फेमस फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से बहुत कुछ पढ़ाई भी हो चुकी है फर्स्ट टर्म की, वॉकिंग फॉर अ काउस, तो इतना कुछ पढ़ाई हो चुका है और हमें इस समर वेकेशन में करना है। तो यही टोटल 13 बुक्स थी जिसका मैंने आज आप सबको रिव्यू दिया। तो आपके बच्चे किस स्कूल में हैं और कौन से बुक्स आप पढ़ा रही हैं, प्राइस आपको कैसा लग रहा है, क्लास फोर के बुक्स का टोटल प्राइस 5000 मुझे पड़ा जो कि स्कूल के तरफ से दिया गया, मेरा बच्चा आईसीएसई स्कूल में है, आईसीएसई स्कूल पैटर्न है, ठीक है।
और मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वो सीनियर केजी का बनाया था, तो अगर आपके बच्चे सीनियर केजी में हैं तो वो बुक्स का भी रिव्यू आप देख सकती हैं, वो मैंने बना रखा है। तो गाइज उम्मीद करूंगी आज का भी वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और आप अपने बच्चों को किस स्कूल में दिए हो, कौन से क्लास में है आपके बच्चे, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कौन सी बुक्स आपके बच्चों को ज्यादा पसंद है कमेंट करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, बाय।